हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिज़नेस एनवायरनमेंट तो आज के जो हमारे टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंसेप्ट उसकी डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ बिज़नेस एनवायरमेंट लेकिन ये बात बताने से पहले कि बिज़नेस एन्वायरमेंट क्या होता है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके इसके नोट्स चाहिए आपको रिटर्न फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं या फिर अगर आपको कुछ रिटर्न फॉर्म में चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी वेबसाइट पे जिसका नाम है एस एस डी क्लासेज डॉट कॉम तो आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मिल जाएंगे और आप ईजली उस सम उस चीज़ को पढ़ पाएंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट क्या है जहाँ सबसे पहले बताया गया है द कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस एनवायरमेंट बिज़नेस एनवायरनमेंट हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दो शब्दों से मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बना है पहला शब्द है बिज़नेस और दूसरा शब्द है एनवायरनमेंट जहाँ पे बिज़नेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बिज़नेस ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टो एफर्ट इकट्ठा किया जाता है मतलब जितने लोग भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर जब काम करते हैं ऑर्गेनाइज एफर्ट ऑफ एंटरप्राइजेस टू सप्लाई द कंज्यूमर अच्छा सब लोग काम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सप्लाई को कंज्यूमर uh, को सप्लाई कर सकें अब उनको सप्लाई क्या करना है दे हैव टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज वाई एनवायरमेंट वर्ड रिफर टू ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच हैव बीन बियरिंग ऑन फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस इसका मतलब एनवायरमेंट उसे कहा जाता है वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एनवायरमेंट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरमेंट एंड अमंग द एनवायरमेंट फैक्टर अब इन कहीं ना कहीं रिलेशन होता है अगर किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर की वजह से या इंटरनल फैक्टर वजह से हमारा बिज़नेस इफेक्टेड हो रहा होता है तो ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे बिज़नेस को इफेक्ट करने वाला है अब ये इफेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है ये इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है या ये इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है तो जो जब भी हम अपने इन्वायरमेंट को चेक कर रहे होते हैं और ये पता लगा रहे होते हैं कि वो चीज़ हमारे बिज़नेस को किस तरीके से इफेक्ट करने वाली होती है तो उसे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरमेंट लेट सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रिकनिक शॉल अब यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई गई है द एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स टू विच इट इज एक्सपोज एंड बाई विच इट मे बी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो हम जिसमें हम चेक करते हैं कि जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो किस तरीके से हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही वहीं पर दूसरी डेफिनेशन बताया गया है बिजनेस एनवायरमेंट कन्जिस्ट ऑफ ऑल दोज फैक्टर विच हैव अ बियरिंग ऑन बिजनेस वो सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अब आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हम बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं अगर हम बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो इसका फायदा क्या होगा तो सबसे पहला फायदा है बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स टू स्टडी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस सो दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट ऑफ द सोसाइटी मे बी फुलफिल्ड अब यहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वहाँ पे हमें पता चल सके कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सोसाइटी के प्रति क्या है सेकेंड पॉइंट्स इज़ दैट इट हेल्प्स टू गेट फुल नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो ये बात हमें पता चल जाती है कि हमें बिज़नेस एनवायरमेंट में हमारे लिए इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा है और किसको हम ठीक कर सकते हैं अब ये इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है डिटेल में आप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लेकिन इंटरनल के लिए अभी फिलहाल आपको लिए ये समझना है कि वो सारे फैक्टर्स जो बिज़नेस में कंट्रोल किए जा सकते जो हम कंट्रोल कर सकते जिसको हम चेंज कर सकते उसे हम बोलते हैं इंटरनल और जिस फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे कि गवर्नमेंट फैक्टर या एस नेचुरल फैक्टर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वहीं पर अगर हम बिज़नेस एन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बिज़नेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और आगे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इट हैज़ डायनेमिक बिहेवियर ऑफ़ द पीपल अब समय के अनुसार लोगों का बिहेवियर भी चेंज होता है वो भी हमें समझना ज़रूरी है ताकि हम बिज़नेस को जो इफेक्ट आने वाला है उसको चेक कर सकें इट हेल्प इन ड इन डेवलपमेंट एंड सक्सेस ऑफ बिज़नेस वेयर द रेगुलर चेंजेस टेक प्लेस जहाँ पे रेगुलर बिज़नेस में लगातार चेंजेस आने वाला है उस चेंजेस को समझने के लिए हमें बिज़नेस एन्वायरमेंट पढ़ना होता है और अगर हम बिज़नेस एन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हैं तो हमें समझ में आएगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना रही है जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाइसेंसिंग पॉलिसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी और अलग अलग पॉलिसी जो गवर्नमेंट बना रही है वो किस तरीके से बना रही है तो ये सब पॉइंट्स ये बताते हैं कि अगर हम बिज़नेस एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा इसके अलावा दो पॉइंट्स और हैं दैट इज़ इट हेल्प्स टू नो विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हमारी कंट्री किस तरह तरह की है या किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम हमारी कंट्री में फॉलो किया जाता है हमारी कंट्री कैपिटलिज्म है सोशलिज्म है कम्युनलिज्म है या मिक्सड है अब मैं आपको बता दूँ हमारी कंट्री मिक्सड इकोनॉमी है इट हेल्प फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड स्ट्रैटर्जीज अगर हम बिजनेस एन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो हम अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटर्जी प्लान कर सकते हैं लेट्स सी द नेचर ऑफ़ बिज़नेस एनवायरनमेंट आगे देखते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के क्या क्या नेचर बताए गए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अनलिमिटेड क्योंकि ये सिर्फ़ हमारी कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे कंट्रीज या कंट्री के बाहर के भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट डायनामिक है डायनामिक मीन्स इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम समय के अनुसार वो चेंज होता रहता है बिज़नेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि सारे फैक्टर्स हम एक ही टाइम पे नहीं पढ़ पाएंगे एक ही समय पे सारे फैक्टर्स को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है वही हमें बताया गया है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जो एनवायरनमेंट आज इंडिया में चल रहा है वही एनवायरनमेंट बाहर भी चलेगा या दूसरी कंट्री में चलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है बिज़नेस एनवायरनमेंट प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है बिज़नेस एन्वायरमेंट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम दस साल पहले बिजनेस एन्वायरमेंट जैसा था आज वैसा होगा ऐसा भी नहीं है समय के अनुसार टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता रहता है उसके बाद बताया गया है बिजनेस एन्वायरमेंट का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पड़ता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इन्वायरमेंट कभी भी चेंज हो रहा है जैसे कोरोना के बाद आप देखेंगे जो एन्वायरमेंट बिजनेस का चेंज हुआ है इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पड़ने वाला है बिजनेस एन्वायरमेंट में नॉट इफेक्ट और नेसेसरी इफेक्ट ऑल द बिजनेस इन द सेम मैनर सारे बिज़नेस एक जैसे ही इफेक्टेड होने वाले हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी का बिज़नेस ज़्यादा इफेक्ट होता है किसी का बिजनेस कम इफेक्टेड होता है बिज़नेस एन्वायरमेंट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट स्पेशली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होते हैं जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे फैक्टर्स जो बिज़नेस पे इफेक्ट कर रहे हैं हम देख देखते भी हैं लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको इट मीन्स हम उसको चेंज नहीं कर पाते उसको हम कहते हैं बिज़नेस एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट तो ये सारे फैक्टर्स थे जहाँ पे हमने समझा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है उसका नेचर उसका इंपॉर्टेंस स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इसके रिटर्न नोट्स चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट एस पर जा सकते हैं थैंक यू